फ्रेंड्स, आज मैं आपको अरवी की क्रिस्पी चिप्स बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने पहले से ही 10 से 12 अरवियों को ले लिया है, जिसे हम घुइयां भी कहते हैं। उसे हमने पहले पानी से अच्छे से धो लिया है, उसके बाद हम उसे चाकू से छीलेंगे, जिस तरह आप हमारे वीडियो में देख रहे हो। अच्छे से छीलना है हमें, उसके बाद इनके दोनों किनारों को काट कर हटा देंगे। इसी तरह हमें अपने सारी अरवियों के छिलके को हटा लेना है चाकू से। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रहे, जब आप अरवी को छीलो तब अपने हाथों पे अच्छे से सरसों का तेल लगाओ, क्योंकि अरवी में खुजली बहुत होती है। अगर आप अपने हाथों में सरसों का तेल नहीं लगाओगे तो इससे आपको बहुत इचिंग होगी। उसके बाद हम इसे पतले पतले पीसेस में काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप हमारी वीडियो में देख रहे हो, इसी तरह हमें अपने सारे अरवी के पीसेस को पतले पतले काट लेने हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने अरवी के पीसेस को मोटा नहीं काटना है। अगर आप मोटा काटोगे तो आपके चिप्स बन तो जाएंगी पर क्रिस्पी नहीं होंगी, क्योंकि वो मोटी हैं तो अंदर से सॉफ्ट ही रहेंगी। और इसके बाद हम जब अपने पीसेस को काट लेंगे तो इसे फिर से अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि अरवी में गंदगी बहुत होती है, तो इसीलिए इसे 2-3 बार धोना सही होता है। इसके बाद हम अपना तेल गर्म कर लेंगे पैन में, और हमें इसके लिए सही गर्म तेल चाहिए, कम गर्म नहीं। उसमें हम इसे पहले 5 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे, ताकि इसकी चिकनाहट भी ख़त्म हो जाए और ये आपस में अलग हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपको पतले पतले काटने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना तेल गर्म कर लिया है पहले से। उसमें हम अपनी अरवी को 5 मिनट तेज पर चिकनाहट ख़त्म होने तक और आपस में अलग होने तक पकाएंगे। उसके बाद हम, ये देखिए हमारी चिकनाहट ख़त्म हो चुकी है, इसे हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, आपको नमक ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, और उसे 5 मिनट तक डीप फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पर। आप देखेंगे कि आपके अरवी के चिप्स के किनारे गोल्डन ब्राउन हो चुके होंगे, तब आप उन्हें अपने सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला या अपना आमचूर पाउडर या जो भी आपको मसाला पसंद हो स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो आप डायरेक्ट नमक के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे चाहें तो 1 से 2 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में रख के भी खा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी इसी तरह अरवी की चिप्स कड़ी होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अरवी की चिप्स बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।